दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करने हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाऊंगा जैसे बोला था मैंने, तो आज मैंने वीडियो आपके लिए लेके आया। ठीक है, अगर किसी को इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट आपको करनी है आपको, तो उसके लिए भी मैंने भी एक कल वीडियो बनाया था सैटरडे को, उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उस वीडियो को जाके आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो आज का ये वीडियो है इसमें क्या अपन देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्ट कैसे करोगे इसको अपन देखेंगे आज। ठीक है, और साथ में ये भी देखेंगे कि आपको एंट्री कब लेनी है, यानी एंट्री लेवल क्या होनी चाहिए और कब लेना है, यानी टाइम क्या होना चाहिए, आज लेना है, कल लेना है या परसों लेना है, टाइम क्या होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं टाइम को बार बार फोकस कर रहा हूँ, टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम की इंपॉर्टेंस आपको दिखाऊंगा कि टाइम को मैं क्यों फोकस कर रहा था। ठीक है, अब देखो आप वीडियो को आप ढंग से देखिए, पूरी देखिए, आप स्किप मत करिए। अगर आपके पास 15 से 20 मिनट अगर आपके पास नहीं है तो आप वीडियो का भी मत देखिए, जब फ्री हो जाओगे तब आप आराम से बैठ कर देखना। कहने का मतलब है आप स्किप कर करके मत देखना, आप आराम से 15-20 मिनट हाथ में लेके आप आराम से बैठ कर देखना, पूरी वीडियो ढंग से देखना। ठीक है, देखो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो जो भी वीडियो मैं बनाया था आज तक, मैंने आपको पता होगा मैं सारी वीडियो में कुछ ना कुछ जो है काफ़ी अच्छी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है कुछ नई चीज़ मैं हमेशा लेके आता हूँ। तो आज भी मैंने आपके लिए लेके आया, मैं लेके ये आ गया, जो भी आज मैंने बताऊंगा ध्यान रखना, दोबारा सुना, जो भी मैंने आज बताऊंगा आपके सामने लेके आऊंगा ये ध्यान रखना। आप YouTube के अंदर 1000 वीडियो देख लो, 5000 वीडियो देख लो, कितने भी वीडियो चाहे देख लो आप, लेकिन जो चीज़ मैं आज बताऊंगा वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, आज बताऊँगा मैं आपको, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, चाहे आप यूट्यूब के अंदर 1000 वीडियो देख लेना। ठीक है, क्योंकि मैं क्या साल भर पहले से ही मैंने उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट निकाला, फिर मैंने उस सेटअप को मैंने सेटअप के हिसाब से मैंने ट्रेड कर रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ मैंने आज बताऊँगा आपको किस बेसिस पे मैंने ट्रेड करता हूँ, पोजीशन लेता हूँ, तो वो चीज़ क्या मेरे खुद के है, खुद के स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो वो आपको कहीं बताएगा नहीं। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को आप ढंग से देखिए, पूरी देखिए आप। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना दोस्तों, कितने मेहनत करके बनाता हूँ मैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि और भी अच्छे अच्छे मैंने आपके लिए वीडियो बना के ले आके आओ। ठीक है, अब देख सकते हो मैंने यहाँ पे रिलायंस का लगा दिया, और वन डे चार्ट लगाया, वन वीक का भी आप लगा सकते हो। मैंने रिलायंस इसलिए लगाया था, मैंने कुछ दिन पहले रिलायंस का एक मैंने ट्रेड दिया था, आपको याद होगा मैं रिलायंस का एक मैंने ट्रेड दिया था करीबन यहाँ एक हफ्ते पहले, यहाँ कहीं दिया था मैंने 1925-26 के आसपास, आपको बाई करने के लिए बोला था, और मैं बोला था कि लॉन्ग टारगेट लेके आप वेट करो। तो मैं रिलायंस को लिया था मैंने, इसलिए और भी स्टॉक को ले सकता था, लेकिन क्या टाइम नहीं है, अकेला रिलायंस तो 15-20 मिनट खा लेगा मेरा, इसलिए मैंने किसी और स्टॉक को मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो आप ले सकते हो, मैंने और भी वीडियो बनाऊंगा उस पर भी आपको दूसरे स्टॉक लेके दिखाऊंगा। चलिए मैं बात करता हूँ, मैं आप वन डे कर सकते हो और आप वन वीक का भी आप ले सकते हो। अच्छा, लोग मुझे पूछते हैं, मेम्बर्स पूछते हैं कि आप क्या कहते हो उसको, इंडिकेटर कौन सा यूज़ करते हो। देखो आप इंडिकेटर देख लो भाई, कोई खास इंडिकेटर नहीं है, 20 EMA है रेड लाइन, और ये है अपने 50 EMA ग्रीन कलर का है, और ये RSI, और ये है अपने वॉल्यूम है। ठीक है, देखो आप जो मूविंग एवरेज जो है 20 हो या 50 हो, ये एक टूल है, उसको आप कैसे यूज़ करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि 7 EMA ने 20 EMA को क्रॉस ओवर कर दिया तो आपको बाई करना है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ना आप, लेकिन ध्यान रखना मैं उस जो मूविंग एवरेज के जो क्या कहते उसको क्रॉस ओवर है उसके बेसिस पे मैंने बाई सेल नहीं करता हूँ। मैं बाई सेल करता हूँ कम्प्लीटली प्योरली मैं बाई सेल करता हूँ मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पे। ठीक है, तो मूविंग एवरेज में किस लिए यूज़ करता हूँ मैं उसके भी आपको राज बता दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको पहले वीडियो में बताया था आपको, लेकिन आपको सारी चीज़ आज आपको क्लियर कर लूँगा। देखिए, पहला तो पॉइंट है जो मैंने पहले भी बताया था आपको, जो मूविंग एवरेज है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस अगर इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, इसी तरह क्या है अगर प्राइस नीचे है इसके तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इसी तरह क्या है 50 जो है 50 EMA है ये भी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, जब भी क्या है प्राइस 20 EMA को 20 मूविंग एवरेज इसको क्रॉस करके नीचे आता है तो सीधा जो है 50 EMA तक जरूर आएगा। ठीक है, इसको क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट तक आएगा, उसके बाद नीचे आता जाएगा। तो मैंने आपको ये भी याद होगा, आपको मैंने एक लाइन आपको ड्रॉ करने की जो कैसे ड्रॉ करता हूँ मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाया था, ज़्यादा लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने एक दो लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने उसके भी वीडियो बना रखा है जाके आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि रिलायंस जो है, अच्छा मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया था,
सिलेक्ट कैसे करोगे? देखो, सिलेक्ट करने का तीन तरीका होता है। पहला तरीका ये है, जैसे ये रिलायंस का ही बना हुआ है, ठीक है, कि भाई प्राइस जो है काफ़ी ऊपर चल रहा है और देखो अब उसके बाद ये 2350 के आसपास गया था प्राइस, फिर नीचे आया, फिर देखो अपने जो ये मूविंग एवरेज है यहाँ इस अपनी लाइन है सपोर्ट ले, फिर ऊपर गया, फिर मूविंग एवरेज 20 EMA को क्रॉस किया था, उसके बाद सीधा 50 पे आ गया था, 50 को क्रॉस किया था, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। यहाँ आने के बाद क्या है, फिर मैंने देखा कि जब ये ऊपर जा रहा था फिर ऊपर देखो, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ था, ऊपर जाने के बाद जो 50 के जो मूविंग एवरेज है 50 EMA है रेड ग्रीन कलर का, वहाँ से रिजेक्ट ले रहा था, यहाँ से एक बार रिजेक्ट लिया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर रिजेक्ट लिया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर रिजेक्ट लिया नीचे आया, फिर रिजेक्ट लिया फिर नीचे आया, फिर रिजेक्ट लिया नीचे आया, तो कितने बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 बार रिजेक्शन ले लिया उसने 50 EMA से। तो मुझे आप समझ में आ गया, जो 50 EMA है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसी को मानोगे जब क्या होता है, उस लेवल से प्राइस जो है मिनिमम 3 बार, देखो 4 बार हो सकता है 5 बार हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है, मिनिमम 3 बार अगर उसी लेवल से सपोर्ट लेता है तो मैं उस लेवल को बोलूँगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। इसी तरह अगर मान के चलो प्राइस जो है मिनिमम 3 बार किसी रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, बार बार रिजेक्ट हो गया, तो मैं उसी को बोलूँगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। समझ में आ गया आपको? तो आप देख सकते हो कि ये 50 EMA एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और साथ में ये भी देखा मैंने कि नीचे आया पहले बार इसने 1900 का जो लेवल है, देखो यहाँ पे लिखा है 1900 लेवल से सपोर्ट लिया, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर 1900 लेवल पे सपोर्ट लिया, देखो नीचे तो आया लेकिन प्राइस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ही हुई है, देख सकते हो आप, यानी यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, जैसे उसने 3 बार सपोर्ट ले लिया 1900 लेवल के आसपास, में समझ में आ गया था कि भाई ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही है। तो मैंने तुरंत क्या किया, मैंने रिलायंस को मैंने अपने ट्रैक पर डाल दिया, मतलब रेडर पर डाल दिया, ट्रैक कर रहा था उसको मैंने पोजिशनल के बाई के लिए। तो आपको भी ऐसे सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको सिलेक्ट करने का जो है 3 तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपको क्या देखना है, जब भी कोई प्राइस जो है काफ़ी ऊपर जा रहा था, जाने के बाद जब नीचे घिर रहा था, नीचे घिरने के बाद बार बार जो है सपोर्ट ले रहा था, मिनिमम अगर मान के जो 3 बार एक ही लेवल से सपोर्ट ले रहा था, तो समझ लेना कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। उस स्टॉक को अपने जो अपने वॉच लिस्ट है उसमें डाल दो और उसको आप ट्रैक करते रहो। ये हो गया पहला तरीका, क्योंकि अपन जो बाई करेंगे इस जो मेजर सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन के आसपास ही बाई करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो गया, मान के चलो कोई एक रेजिस्टेंस है, ईयरली रेजिस्टेंस, डेली बेसिस पे रेजिस्टेंस, या वीकली है या मंथली है, जो भी रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को जब भी हायर वॉल्यूम, ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तो अपन उस ब्रेकआउट के ऊपर बाई करेंगे। तो अपन ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, मान के चलो कोई पैटर्न्स बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, ट्रेंगुलर पैटर्न बन रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बन रहा है, तो इस टाइप का भी आप जो उन लाइन को जब ब्रेक करता है तब भी आप अपन एंट्री ले सकते हैं बाई करने के लिए, वो होता है तीसरा तरीका। तो सेकंड एंड थर्ड तरीका जो है वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो है रिलायंस अकेला ही 15 से 20 मिनट ले लेगा। तो देखो आप, जैसे ही मैंने देखा कि भैया 3 बार एक जगह से सपोर्ट लिया है, कि लेवल पे सपोर्ट लिया है, मैं समझ में आ गया था कि रिलायंस को मुझे पोजिशनल के लिए पकड़ना है। तो मैंने क्या किया था, एक मैंने रेक्टेंगुलर मैंने यहाँ बना दिया था, मेजर सपोर्ट को कनेक्ट करते हुए मैंने यहाँ एक बना दिया था, देख सकते हो, इसको कनेक्ट किया था, कनेक्ट करके बनाया था। देखो लाइन ड्रॉ करनी कैसी है, मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है, वीडियो बनाया था मैंने, अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे वाले हिस्सों पे, है ना, नीचे वाली लाइन पे। अब देखो मैंने नीचे लाइन ड्रॉ इसलिए किया था, और ऊपर मैंने रेक्टेंगल इसलिए ड्रॉ किया था, और रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ किया था, तरीका वही है जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कनेक्ट करते हुए। देखो कनेक्ट यहाँ पे किया था, एक सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे, नो डाउट इसे नीचे गया था, लेकिन उसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, उसने यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट ले, 3 सपोर्ट जैसे ले लिया था, मैंने रिलायंस को ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। मुझे आप इस पर ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे के लिए, सॉरी ये पोजिशनल के लिए, हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को इंडिकेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बना दिया, ठीक है, और नीचे मैंने लाइन बना दिया, ये एक सेकंड सपोर्ट है, क्योंकि देखो प्राइस इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, दोबारा नीचे आया सपोर्ट लिया, तो मैंने ये जो है ये अपना हो गया सेकंड सपोर्ट जोन, ठीक है, ये हो गया पहला सपोर्ट जोन, पहला मतलब मेजर सपोर्ट जोन। तो अपन की जो बाइंग एंट्री होगी ना, ये ध्यान रखना, बाइंग पॉइंट हमेशा होना चाहिए जो
मेजर सपोर्ट उसके आसपास होनी चाहिए। लेवल कौन सा है, देखो 1900 है, ऊपर वाला देखो थोड़ा सा 1950, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक अपन बाई कर सकते हैं। यानी आपको एंट्री पॉइंट मिल गई, क्या मिल गई, 1900 से लेके 1950 के अंदर आप बाई कर सकते हो। ये हो गया आपका लेवल, पता चल गया, ठीक है। दूसरा काम हो गया, पहला तो आपने स्टॉक सिलेक्ट कर दिया, कैसे सिलेक्ट कर दिया आपको बता दिया मैंने, और सेकंड हो गया आपका एंट्री लेवल क्या है वो भी आपको बता दिया। अब थर्ड जो है वो है कि टाइम, किस टाइम आपको ऐड करना है। देखिए टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो कई लोग क्या कहते हैं, अपने जब एक्चुअली मैं रिलायंस को यहाँ से ट्रैक कर रहा था, फिर मैंने यहाँ पे कुछ बाई किया था, फिर वहाँ पे गया था, प्रॉफिट बुक किया था, फिर नीचे आया था, वो तो अलग बात है, मैं चैनल पे भी दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैं यहाँ से रिलायंस को दोबारा मैं ट्रैक कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है दोबारा ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जरूर आएगा, इस मेजर सपोर्ट को टच जरूर करेगा, तो फिर दोबारा बाई करने के लिए मैं वेट कर रहा था और रिलायंस को मैं ट्रैक कर रहा था, जब तब यहाँ से ट्रैक कर रहा था, दोबारा मैं यहाँ से ट्रैक कर रहा था। अब क्या होता है, ट्रैक करते करते देखा मैंने प्राइस यहाँ होते 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 यहाँ तक आ गया, जो है बाइंग जोन है यहाँ तक दोबारा आ गया है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि बाइंग जोन यहाँ पे आ चुका था, लेकिन मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए किसी को बोला नहीं था, मैंने बाई करने के लिए भी यहाँ दिया था आपको, यहाँ बाई करो। अब आपके दिमाग में ये आएगा, मैंने यहाँ क्यों दिया था यार, यहाँ क्यों नहीं दिया था, मैंने आपको क्या बताया था, टाइम। मैंने ये देखा कि यहाँ बाई करने का सही समय नहीं है, मैंने ये देखा था बाई करने का सही समय नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ आपको बाई करने के लिए नहीं बोला था, मैंने यहाँ देखा था बाई करने का सही समय है। आप मुझे टाइम कैसे पता चला, देखो आप मान के चलो किसी ने अगर यहाँ बाई किया होगा तो क्या होगा, देखो किस लेवल पे बाई किया होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये आसपास देखो प्राइस, देखो लेफ्ट हैंड साइड में प्राइस देखना, यहाँ लिखा होगा कितना हो गया, 1925 के आसपास मैंने एक बाई पोजीशन था, तो ये अगर इस यहाँ पे अगर 1925 के आसपास अगर किसी ने बाई किया होगा तो उसके बाद देखना कि प्राइस जो है यहाँ तक गया है, करीबन 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास गया है, फिर वहाँ से नीचे आ गया, और मैं अगर यहाँ पे बाइक किया था तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितने हो गया, करीबन 15-20 दिन का होगा, है ना। तो एक चीज़ देखो आप, जिन्होंने यहाँ पे बाइक किया था, जिस प्राइस पे 1925 के प्राइस पे बाइक किया था, और 15 दिन बाद बिल्कुल रिलायंस जो है उसी प्राइस पे खड़ा था, तो उनको क्या फ़ायदा हुआ बताओ आप। यहाँ पे 1925 पे उन्होंने खरीदा था और 15 दिन बाद भी रिलायंस उसी पोजीशन पे बैठा हुआ है 1925 के आसपास, तो उनको फ़ायदा थोड़ी हुआ है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं कि टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले से समझ में आ गया था कि यहाँ जो है बाई करना, प्राइस तो सही था लेकिन बाई करने का टाइम अभी तक आया नहीं। तो अब जो मैं बताऊँगा आपको कि बाई करने का टाइम किस लिए नहीं आया, मैंने आपको बताया था ना आपको टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बाई करने के लिए नहीं बोला था, मैंने यहाँ दिया था। अब मैं आपको बता दूँगा मुझे कैसे पता चला यहाँ पे बाई करना सही नहीं है, मतलब टाइम आया नहीं अभी तक। लेवल सही था 1925, लेकिन बाई करने का समय नहीं आया, ये मैंने कैसे पता चला, ये मैंने आज आपको बताऊँगा। जो मैंने आपको बताया था ना, सीक्रेट की बात कर रहा था मैंने, ये सीक्रेट की बात है। अब देखो जल्दी जल्दी बताऊँगा आपको, ध्यान रखना आप, वीडियो लंबी हो रही है। तो अब तो शुरू करता हूँ मैं, जो आपको बताया था मैं क्लू बताऊँगा, ट्रिक्स। ये ट्रिक्स ये है, मूविंग एवरेज की ट्रिक्स है ये, ठीक है, जो मैं अपने हिसाब से यूज़ करता हूँ, ध्यान रखना कोई आपको बताएगा नहीं, वीडियो चेक कर लेना चाहे हजार वीडियो यूट्यूब के, कहीं पर भी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो देखो मूविंग एवरेज जो है ये आपको पता होगा, एक चीज़ आपको तो पता ही होगा कि मूविंग, जब भी कोई कैंडल, मान के चलो मैं इस कैंडल की बात करता हूँ, ठीक है, मैं अगर इस कैंडल की बात करता हूँ, जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर चला जाता है, देखो मूविंग एवरेज यहाँ है और ये कैंडल यहाँ है, जब भी कोई कैंडल मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर चला जाता है, चाहे बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, निफ्टी हो, इंट्राडे हो, तब आपको एंट्री नहीं लेनी है, बाई सेल कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, मतलब बाई आपको नहीं करना है, ध्यान रखना। जब भी प्राइस मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर जाता है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, बाई नहीं करना है, आपको वेट करना है कि प्राइस दोबारा मूविंग एवरेज तक जरूर आएगा, ठीक है। मूविंग एवरेज कौन सा, 20 EMA, वहाँ तक जरूर आएगा, इंतजार करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब जो सीक्रेट की बात कर रहा हूँ मैं, ये है कि जिसको आपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना आपने, ठीक है, जो मेजर सपोर्ट आपने बोला था, जहाँ पे आपने हमेशा बाई करने के लिए बैठे हुए थे, ध्यान रखना वहाँ से जो मूविंग एवरेज जो 20 EMA है वहाँ की डिस्टेंस जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये है सीक्रेट, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमेशा डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अब दोबारा सुनना, जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 EMA से मेजर जो सपोर्ट आपने ड्रॉ किया था, जहाँ पे आपको बाइंग करनी थी, वहाँ तक की डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए आइडियल केस में, लेकिन हमेशा जीरो होता नहीं। जीरो होने का मतलब है ये लाइन जो है नीचे आके बिल्कुल यहाँ पे आके मिल जाए, टच हो जाए, इसको बोलते जीरो, मतलब डिस्टेंस जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, ठीक है, वो आइडियल कंडीशन है, लेकिन हमेशा ये होता नहीं है। अब आप देखो, आप मैं अगर इस जो इस कैंडल की बात करो, मैं अगर ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ, जैसे डेट से देख सकते हो आप किस तरीका है, ग्रीन कैंडल की बात करता हूँ, ग्रीन कैंडल के नीचे ही देखो आप मूविंग एवरेज रेड वाला है, देख रहे हो आप, तो इसका मतलब ये है, मैं अगर यहाँ की बात करता हूँ तो ये जो कैंडल जो है इस कैंडल के ऊपर मूविंग एवरेज कहाँ रहे होगा, 20 EMA यहाँ होगा। तो जब यहाँ होगा तो अगर मैं यहाँ बाई कैसे करूँ भाई, खुद देखो आप कि यहाँ अगर मूविंग एवरेज है तो यहाँ से अपने जो मेजर सपोर्ट है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ज़्यादा है ना डिस्टेंस,
तो फिर बाई मैं करूँगा क्या, मैं बाई नहीं करूँगा। मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे बाई करने को आपको नहीं बोला था। आप समझ में आया आपको टाइम का क्या फ़र्क पड़ता है, मूविंग एवरेज का क्या सीक्रेट है, आपको समझ में आया? बाई आपको नहीं किया, मुझे पता है कि ये नीचे आएगा, ऊपर जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको जाना जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है दोबारा ये आएगा, क्योंकि ये जो है मूविंग एवरेज जो इसके नीचे इसके पास में आना जरूरी है, ये आएगा। और देखो जैसे ही आया प्राइस ऊपर चला गया, जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ऊपर गया मूविंग एवरेज का, जैसे नीचे 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 आया देखो और पास में आ गया, देख रहे हो पास में आ गया, प्राइस भी इसके आ गया, देखो प्राइस दोबारा नीचे आ गया, देख सकते हो आप प्राइस दोबारा नीचे आ गया है। ये देखो मजे की बात, प्राइस दोबारा उसी लेवल पर आ गया जहाँ पर ये लेवल पहले से था 15-20 दिन पहले। यहाँ जब आया था फिर देखा मैंने कि अब जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, अब जो डिस्टेंस है मेजर सपोर्ट की जो मेजर सपोर्ट से 20 मूविंग एवरेज की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है, इसका मतलब आप मुझे बाई कर सकता हूँ। मैं देखो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए मैंने यहाँ पे बाई करने के लिए आपको नहीं बोला, और यहाँ आपको मैंने बाई करने के लिए बोला था क्योंकि यहाँ पे जो क्या हो गया डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस अगर जीरो हो जाएगी और अगर मूविंग एवरेज अगर और नीचे होता ना 20 EMA अगर और नीचे होता है ऐसे, तो ये तो अपने लिए और सोने पे सुहागा है, लेकिन वो हमेशा होता नहीं है। लेकिन ध्यान रखना जितनी डिस्टेंस कम होगी उतने आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। देखिए बाइंग प्राइस तो पहले से आपको पता चल गया था, लेकिन टाइम कैसे पता चलेगा आपको, टाइम आपको देख के पता चलेगा मूविंग एवरेज एंड ये जो मेजर सपोर्ट है उसके बीच में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस कितनी है, उसके हिसाब से आपको टाइम का पता चलेगा आपको कब एंट्री करनी है, ठीक है। और रिलायंस को लेने के लिए मैं लिया था, मैंने एक और चीज़ देख के लिया था, मैंने यहाँ से मैंने एक अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके बेसिस को देखते हुए भी मैंने रिलायंस पे आपको ट्रेड दिया था मैंने, ठीक है। तो ये तो क्या जो ट्रेंड लाइन वाली है ये वीडियो में दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको वीडियो लंबी हो जाएगी, टाइम ज़्यादा है नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन आपको समझ में आ चुका है ना मैं किस बेसिस पे मैंने बोल रहा था, आपको सारी चीज़ समझ में आ गया। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ सिलेक्ट कैसे करोगे, सिलेक्ट कैसे कर दोगे। अच्छा ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया था मैंने, दिया था क्या यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, यहाँ दोबारा जब यहाँ पे आया था तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको रिलायंस का ट्रेड दे दिया था, ठीक है। और साथ में क्या देखा मैंने, जो मैंने आपको बताया था जो मेरी जो है सेटअप है सीक्रेट स्ट्रेटेजी जो मेरी सेटअप है वो इसलिए है क्योंकि जो मूविंग एवरेज जो है ये क्या होना चाहिए, जो मेजर सपोर्ट है मेजर सपोर्ट के बिल्कुल पास में होना चाहिए। मैं दोबारा बताता हूँ आपको ब्रीफली क्या क्या करना है आपको इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से सिलेक्ट कैसे करोगे। बाकी देखो बाकी आपको दो स्ट्रेटेजी जो है सिलेक्ट करने का तरीका है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी में क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि जब कि स्टॉक ऊपर चला गया है जब नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर वो एक ही पोजीशन से 3 बार सपोर्ट ले रहा है तो आप समझ लेना कि ये इस स्टॉक को अपने वॉचलिस्ट में डाल दो, ट्रैक करते रहो, और ये बन गया आपका मेजर सपोर्ट। जैसे प्राइस उस लेवल पे दोबारा आएगा तो आप बाई कर, देखो आप यहाँ पे भी आप बाई कर सकते थे, देखो देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी देखो मूविंग एवरेज के साथ जो अपने जो क्या कहते हैं उसको मूविंग एवरेज के जो 20 EMA है और अपने जो मेजर सपोर्ट है दोनों के बीच में डिस्टेंस भी आप कम होगी कंपेयर टू दिस, इसके साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ के जो है डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई है, इसलिए भी यहाँ पे भी आप बाई कर सकते हो। और देखो बाई करने के बाद कहाँ गया, देख रहे हो आप ये चीज़ बाई करने के बाद कहाँ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे आप वेट करो, ये ऊपर जाएगा। चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, तो चलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। और एक वीडियो में आपको बताऊँगा जरूर, ठीक है। आपको सारी चीज़ आपको दोबारा समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना आप, ठीक है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ चुका है सिलेक्शन कैसे करना है, और सिलेक्शन करने के बाद आपको एंट्री टाइम जो मैंने बताया था टाइम क्या इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आपको, टाइम कैसे करोगे आपको ये देखना है कि आपको समझ में आ गया था कि मुझे बाई करना है इस लेवल पे, ठीक है, इस प्राइस पे मुझे बाई करना है। अब कब बाई करना है आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको ये आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज जो 20 EMA है उसके साथ आप रिलेशन निकालो, आपने जहाँ पे मेजर सपोर्ट है जहाँ पे आप बाई करना चाहते हो, जहाँ पे बाई करना चाहते हो उस दोनों के बीच में रिलेशन निकालो। डिस्टेंस कम होनी चाहिए, जितने डिस्टेंस कम होगी उतने आपके लिए बढ़िया है। डिस्टेंस अगर जीरो हो जाएंगे तो ये तो और बढ़िया है, ठीक है, हमेशा जीरो होते नहीं है, लेकिन जितने अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ यहाँ के जो डिस्टेंस ये डिस्टेंस कंपेयर टू दिस इसके हिसाब से ये डिस्टेंस कम है, तो मैंने यहाँ बाई करने के सोचा था मैंने, और साथ में इसलिए भी सोचा था क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो फॉलो कर रहा था। तो ट्रेंड लाइन की वीडियो तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा आपको दूसरी वीडियो बना के, लेकिन समझ में आ गया ना आपको कि टाइम का कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, टाइम को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, सॉरी 20 EMA को आप कैसे यूज़ कर सकते हो टाइम जानने के लिए, एंट्री पॉइंट जानने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो 20 EMA को, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जय हिंद, आपको नेक्स्ट वीडियो में चलता हूँ।